ए फ्रेंड्स, तो फाइनली हम पहुंच गए हैं गोवा और अपने होटल पहुंच गए। ये है हमारा होटल साउथ गोवा में। साउथ गोवा में मैं एक्चुअली आना नहीं चाहती थी, क्योंकि साउथ गोवा सुना है थोड़ा काफ़ी शांत सा रहता है, थोड़ा चहल पहल कम है यहाँ पर नॉर्थ गोवा के कंपेरेटिव। तो मैं तो नॉर्थ गोवा जाना चाहती थी, लेकिन ये 26 जनवरी की छुट्टियों ने सारा गड़बड़ कर दिया और नॉर्थ गोवा में इतने ज़्यादा रश है कि हमें होटल ही नहीं मिला नॉर्थ गोवा में कोई भी। तो फाइनली हमें कैसे भी करके साउथ गोवा में 2 दिन स्टे करना पड़ेगा और उसके बाद हम पहुँचेंगे नॉर्थ गोवा। तो चूंकि साउथ गोवा में लोग कम आना चाहते हैं, तो इजली हमें ऑनलाइन बुकिंग मिल गई थी इस होटल की। लग्जीरियस होटल है, इसलिए लोग इसको थोड़ा बुक भी कम करते हैं। होटल तो अच्छा लग रहा है बाहर से, जब तक पति देव करा रहे हैं एंट्री तब तक मैं आपको थोड़ा सा होटल का नज़ारा अंदर से दिखा देती हूँ कैसा है ये। ये तो है रिसेप्शन वाला एरिया, ये सामने मुझे रेस्टोरेंट वाला एरिया दिख रहा है। चलिए देख के आते हैं, एक्चुअली भूख तो लग रही है अभी, देखती हूँ कैसा है उधर डाइनिंग एरिया में। नहीं, जोरों की भूख लगी है, पहले देख के आते हैं खाने पीने का क्या इंतजाम है इधर। अरे यार, यहाँ तो सब कुछ पैक्ड हो रहा है। ओह माय गॉड, रेस्टोरेंट का बंद हो रहा है। ओहो, और इतने जोरों की मुझे भूख लग रही है। देख 10 बज गए, चलो देखते हैं कुछ ना कुछ, अभी तो रूम में ही मंगा लेंगे। कैसा लग रहा है होटल? मुझे तो अच्छा लग रहा है। एंड फाइनली वी आर इन आवर रूम, देखते हैं कैसा अंदर से। सही है, बट तू तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड फॉर गोवा। ये सब फ्री में है, ये सब चार्जेस है, ये सब क्या भाई, व्हाट इज दिस? पंखा कहाँ वही चला गया, पंखा तो एक नंबर से चला दो। बार बार नहीं है क्या ये? अरे कपड़े भी सुखा लो। नाइट व्यू तो बिल्कुल मस्त लग रहा है, सुबह देखते हैं पता नहीं कैसा है। अभी रात के टाइम तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा करते हैं ना, पूल पार्टी ये करेंगे यहाँ पे, पजामा पार्टी अपनी।
मुझे तो भूख लगी है। हाँ पराठे बचे हैं। Hey guys, we are in Goa. Which is और खाना भी आया है। मम्मी भी आई है, चाचा भी आए, चाचा भी आए, पापा भी आए, चाची भी आए, पप्पू भी आई है। वाह खाना तो बहुत डिलीशियस लग रहा है। मतलब एक्चुअली भूख हम लोगों को बहुत ज़्यादा लगी है, बस खाना खाओ और फटाफट सो जाओ। लेकिन सोएंगे तो केवल साइड से ये रहे हमारे तीनों रूम्स, हम तीनों फैमिलीज के। मुझे लगता है जितने भी रूम्स हैं होटल्स में वो सारे पूल फेसिंग ही हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा लुक आता है पूल साइड एरिया का और हमने खूब सारी पिक्स ली हैं यहाँ पर।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वी आर लिविंग फॉर द पैलोलम बीच। पैलोलम बीच यहाँ से केवल 500 मीटर्स की दूरी पर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।